हेलो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अड्डा में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अशोक लेलैंड 2818 का ये ट्रक। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कलर मैचिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप इसके फ्रंट लुक को देखिए, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। इसी के साथ ही टाटा का दूसरा ट्रक है वो भी, तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है और ये ट्रक मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो मैं इसका जो इंटीरियर है दोस्तों, यानी कि कैबिन है, कैबिन का भी व्यू आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा इसका कैबिन दिखता है। इसके अलावा दोस्तों अगर डिज़ाइनिंग की अगर बात करेंगे, आगे आप अशोक लेलैंड का लोगो देखेंगे दोस्तों, कितना स्टाइलिश लोगो यहाँ पे बनाया हुआ है। अशोक लेलैंड का लोगो है जहाँ पे एक मूंछ की शेप दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग में लिखा गया है दोस्तों, रेंज रोवर और जो है फरारी, तो अपनी गाड़ी को रेंज रोवर और फरारी भी बिल्कुल समझ सकते हैं ये। और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग यहाँ पर दी गई है, कलर मैचिंग यहाँ पर कर रहा है। तो इसका जो कैबिन है वो भी हम देखने वाले दोस्तों। तो उससे पहले मैं इसकी जो है फ्रंट प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया रेंज रोवर की जो लोग यहाँ पे जो साइनिंग है रेंज रोवर की यहाँ पे लगा दी गई है। इसके अलावा फरारी का साइन दे दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों शीशे के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो लगा हुआ है, यानी कि एक जो है खूब अच्छी गाड़ी आप इसे समझ सकते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी इसका जो शीशा है यहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो दिया हुआ है। काफ़ी चमकदार इसका कैबिन लग रहा है। तो इसके कैबिन में जो है, आइए चलते दोस्तों इसका कैबिन दिखाते हैं, उस साइड से चलते हैं। तो आइए दोस्तों कैबिन का इसका रुख करते हैं। ये कैबिन का लुक है, आप देखेंगे सबसे पहले मैं इसके कैबिन का लुक दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल एक जो है बेड की फीलिंग यहाँ पे आएगी, लग्जरी बेड। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका पर्सनल मटेरियल है। इसके अलावा कुछ पर्सनल सामान है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें स्टोरेज का भी स्पेस दिया गया है। और डिज़ाइनिंग देखिए दोस्तों, ऊपर से कितनी अच्छी अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग दी गई है, क्या डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है, ब्यूटीफुल डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आपका जो ध्यान है यहाँ पे लेके जाना चाहूँगा, इसकी छत को देखिए कितना अट्रैक्टिव डिज़ाइन यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए कलरफुल डिज़ाइन है, इसके अंदर लाइटिंग लगी हुई है। इसके अलावा इन्होंने अपना यहाँ पे माशा अल्लाह जो है कितना अट्रैक्टिव लिखाया हुआ है। और इसके फ्रंट की बात की जाए, फ्रंट कैबिन की, तो इतना ब्यूटीफुल ये लग रहा है दोस्तों। ग्रीनरी यहाँ पर दी गई है, घास दिया गया है। इसके अलावा सुख सुविधा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी आपको नहीं लगेगी। एक जो एलईडी स्क्रीन है, एलसीडी स्क्रीन है, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों, दो चार्जर आप इकट्ठे यहाँ पे लगा सकते हैं। और सोने का स्पेस मैंने बताया कि यहाँ पे तीन आदमी इस बेड पर अच्छे से बिल्कुल विदाउट किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर सो सकते हैं। ये यहाँ पे मिरर है दोस्तों। इसके अलावा JBL के स्पीकर यहाँ पे लगाए गए हैं। JBL के स्पीकर अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड, और ये लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पे लग रही है। तो इन ड्राइवर से जानते हैं दोस्तों इस ट्रक के बारे में, इस कैबिन के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम खान है, कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। जी जी, कश्मीर से आप बिलोंग करते हैं। तो ये जो है गाड़ी आप ही ड्राइव करते हैं सर, आप ही इसी के ड्राइवर है? ठीक है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो कैबिन है इस पर आपने इतना ज़्यादा खर्चा कर रखा है, कहाँ से ये जो है कैबिन आपने तैयार करवाया सर, किस जगह से? हमने सरान में तैयार कर दी गाड़ी सर। ठीक है मिस्टर खान, देखिए आपका जो कैबिन है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया सर, सारी सुविधा यहाँ पे आप ले रखी है। तो सर ये जो सीटें हैं इनके नीचे भी आपने बताया कि स्पेस है यहाँ पे? जी सर, इसमें नीचे भी स्पेस है, इसमें चूल्हा वूल्हा है, खाना वाना नीचे बनाते हैं आराम से। अच्छा, खाना वाना आप बना लेते हैं, मतलब गाड़ी को पार्क करके अच्छी जगह पे वहाँ पे आप चूल्हा निकाल लेते हैं और फिर खाना पकाते हैं? तो होटल वगैरह में आप नहीं खाते, खुद ही खाना पकाते हैं? खुद बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ट्रक के अंदर आपको जो है सारी सुविधाएं मिलेगी, सब कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया JBL के स्पीकर यहाँ पे है, एक लग्जरी प्लेस आप इसे कह सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है बाहर है, लग्जरी होम की फीलिंग यहाँ पे आपको आएगी अगर आप कैबिन के अंदर आ जाते हैं। जैसे मैं अभी कैबिन के अंदर बैठा हूँ तो मैं बिल्कुल अपनी फीलिंग बता सकता हूँ दोस्तों, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठने के बाद, क्योंकि मेरे सामने सब कुछ है, सारी सुविधाएं है। इसके अलावा इन ड्राइवर जी से आप हम जानते हैं, तो सर आपका कौन सा रूट रहता है, किस रूट पर गाड़ी चलाते हैं आप? सर हम ऑल इंडिया में चलते हैं सर, कलकत्ता, मुंबई, गुजरात, कन्याकुमारी, इधर उड़ीसा साइड में। अच्छा, तो आपको बिहार वार सब
स्टेट में जाती है इंडिया के अंदर, हर स्टेट में आपकी गाड़ी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर आपको। आपकी गाड़ी कितना चक्का है सर? ये 10 चक्का है सर। 10 चक्का गाड़ी है, इसमें कितना टन आप माल लेके जाते हैं? इसमें 18 टन माल लेके जाते हैं। 18 टन, ठीक है। और हर टाइप का माल जाता है सर, कच्चा माल, पक्का माल? जी, कच्चा माल, पक्का माल जाता है इसमें। ठीक है। इसके अलावा सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप हर स्टेट में गाड़ी चलाते हैं, तो सबसे अच्छे रोड आपको कौन से स्टेट के लगते हैं, किस कौन सी जगह जाना आप पसंद करते हैं? सही है। अच्छा, रोड तो हर जगह पे सही है, बस एक ही रोड है वो जो यूपी का आपका पक्का थोड़ा खराब है, जो बीच में आता है, उसको एक शॉर्टकट रोड आता है। हाँ जी, चांदनी रोड, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रोड नहीं है, बाकी मतलब फोर वे रोड है, बहुत अच्छा रोड है। अच्छा जी, तो आपको किस तरह की वैसी कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, परेशानी वैसी कुछ नहीं होती है, बीच बीच में कभी मतलब ये आरटीओ वगैरह थोड़ा सा परेशान करती है। तो सर आप एक ट्रक में कितने जो ड्राइवर है मतलब रहते हैं इस कैबिन के अंदर? टू पर्सन रहते हैं इसमें गाड़ी के अंदर, सिर्फ दो रहते हैं? दो रहते हैं, कभी कभार बीच में कोई फ्रेंड वगैरह आता है। अच्छा, तो मतलब तीन आती है, चक्कर चक्कर कोई बंदर आते हैं हमारे साथ घूमने के लिए, मतलब 3 पर्सन आराम से होते हैं इसमें, बिल्कुल होके जाते हैं, बिल्कुल कम्फर्टेबल रह सकते हैं सर, इतना स्पेस है, मैं समझ सकता हूँ। तो आप जो है लगातार कितनी देर तक गाड़ी चलाते हैं सर? जैसे 2 पर्सन रहते हैं, एक जो ड्राइवर है वो कितनी देर तक लगातार गाड़ी चलाता है? पूरा दिन लगाते हैं सर, और रात भी लगाते हैं, कभी 1-2 घंटे नींद करते हैं। नहीं, जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे 2 ड्राइवर है, एक ड्राइवर एक सो सकता है, एक फिर गाड़ी चलाता है, तो आराम दोनों का मिलता है, टाइम मतलब वेस्ट नहीं होता है, आराम से गाड़ी भी कम्फर्टेबल होके बिल्कुल जाती है, कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं आती है दोनों पर्सन को, तब एक नियंत्रण करेगा दूसरा गाड़ी चलाएगा। ठीक है, अब मैं इसका जो है स्पीडोमीटर वगैरह दिखाऊंगा, स्टेरिंग आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए गाड़ी है, काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है यहाँ पे। और ठीक है सर, आपने मेरे को इतना टाइम दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और आपकी वीडियो जल्दी ही अपलोड की जाएगी, ठीक है। और आप इस वीडियो को हो सके उतना शेयर करना, ठीक है जी। थैंक यू सर।